कानपुर बाबूपुरवा पुलिस को मिली सफलता। शातिर वाहन चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल समेत आरोपी पूछताछ के बाद 5 अन्य मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन किया बरामद। शातिर चोर अकेले ही देता था पूरी घटना को अंजाम। शातिर चोर चोरी किए हुए वाहनों को रखता था एक्स गिरवी। बाबूपुरवा स्पेक्टर जनार्दन सिंह ने किया गुड वर्क। उस पैसे का क्या करते थे? वहाँ पे है वो जुआ कहाँ करते थे? अच्छी बात। थाना क्षेत्र कौन सा है? पूरी बातें थी, पूरी डिटेल से बता। अकेले करते तो भी साथ में ना तुम्हारे चोरी करने कभी कभी बाइक जैसे पेट्रोल खत्म हो गया तो छोड़ दी उसको, ये नहीं कि ले जाने की जहमत नहीं उठाएंगे भाई साहब। एक गाड़ी इसने जब ये घूमने गया था वहाँ पर इसका पेट्रोल खत्म हो गया, उस सच में पता चला वो गाड़ी उसने वहीं छोड़ दी, हालांकि उस गाड़ी को हमने बरामद कर दिया। कहाँ थाना? ये थाना बाबूपुर क्षेत्र ठीक है। थाना बाबूपुर टीम एवं केदवे नगर टीम ने मिलकर संयुक्त प्रयास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम अनुराग कुशवाहा है। उससे जब पूछताछ की गई तो वो चोरी करता है और मोटरसाइकिल को अपने गांव लेकर जाता है और वहां पर किसी व्यक्ति को गिरवी रख देता है, उसके एवज में पैसे लेता है। उसने अभी तक कुल 6 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, जिनमें 3 थाना केदवेनगर क्षेत्र की, 1 थाना बर्रा की, 1 थाना चकेरी की एवं 1 अन्य थाना की है। इसके साथ साथ अभी से पूछताछ में पता चला कि इसके द्वारा 4 मोबाइलों को और चुराया गया है जिनको पुलिस ने बरामद कर लिया है और थाना केदवेनगर और थाना बाबूपुर टीम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। इस व्यक्ति के द्वारा अकेले ही मोटरसाइकिल की चोरी करता था, अकेला व्यक्ति, कोई व्यक्ति इसके साथ नहीं है और गांव के लोगों को ही उस मोटरसाइकिल को गिरवी रख के उसके एवज में पैसा प्राप्त होता। किस लिए गिरवी रखता था, कैसे रखता था गिरवी? ये मोटरसाइकिल जैसे जुआ खेलने जाता था वहां पर व्यक्ति से पैसे दिए और मोटरसाइकिल गिरवी रखते और उस पैसे का ही जुआ खेलकर जीतता है, हारता वो अलग चीज है, वहीं पर उस पहले पैसे का इस्तेमाल कर लेगा। हाँ, उन सबसे अच्छी बात यह है कि गिरवी रखने वाले व्यक्ति इसके सारे चिर परिचित हैं। उसने किसी व्यक्ति को ये नहीं बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है, ये बताता था कि एक्चुअल में इसका घर थाना चक्की क्षेत्र में है, ये बताता था कि यह मेरी व्यक्तिगत मोटरसाइकिल है और इसको मैं आपको दे रहा हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय किसान मंच ने संयुक्त मोर्चा के साथ किया आह्वान। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान प्रदेश भर से। मैं देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच, पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कह रहा हूं कि जो यूपी के हैं वो लोग लखनऊ में 26 जनवरी वाले दिन विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, उसमें सभी लोग सम्मिलित हों पूरी ताकत के साथ और सरकार को दिखाना है कि हम किसान एक हैं। सभी संगठनों ने मिल करके ये प्लान किया है कि हम लोगों को 26 जनवरी को यूपी में विधानसभा लखनऊ पर ट्रैक्टर मार्च के लिए सबको आमंत्रित किया है, निर्देश आए हैं दिल्ली से, हम लोगों को ये करना है और पूरी ताकत के साथ करना है। जय जवान जय किसान, क्योंकि सरकार हम लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है और सरकार को जल्द चेत जाना चाहिए और जल्द से जल्द किसानों के इस बिल पर कैसे समझौता होगा इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बात करनी चाहिए किसानों से कि कैसे इसका हल निकलेगा, नहीं तो ये 26 जनवरी के दिन हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, विशाल ट्रैक्टर रैली विधानसभा, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आएंगे और रैली होगी लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी यहियागंज गुरुद्वारा पहुंचे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी गुरुद्वारा पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर गुरुद्वारा पहुंचे हैं। जो अदाकार करते हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए जो है समस्या पैदा करते हैं, उनसे भी लड़ने के लिए
अरे सर नहीं जाएंगे हम लोग आप पर। अरे सर ना आगे करिए इधर। बोले सोनिया। अरे परविंदर जी ब्रजेश जी को आगे करिए साथ पीछे चलते रहो थोड़ा तेज चलते रहो चलते हैं तेज आप लोग वजह से जी जय श्री राम काम भी करते रहो चलते तेज रहो धीमा ना छोड़ो हाँ बोले सोनिया बोले सोनिया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सिपाही भी और वो योद्धा भी है। आज प्रकाश पर्व के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यहियागंज गुरुद्वारे उपस्थित होकर के प्रकाश उत्सव की बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और सिख समाज के इतिहास को याद किया है। सिख समाज ने पूरे भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की समय समय पर आहुति दी है, उसको हम सब नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सिख समाज ने जो योगदान भारत की संस्कृति को बचाने में दिया और इसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, इसको कायम रखने में लगे रहेंगे। भाई साहब मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी खीर हो गई। कानपुर, दहेज में कार न मिलने पर तोड़ी शादी, गोद भराई व अन्य कार्यक्रम होने के बाद तोड़ी शादी, शादी में बुलेट व अन्य सामान देने पर तय हुई थी शादी, वर पक्ष ने अचानक कार की मांग कर तोड़ी शादी, समाज व रिश्तेदारों के घर भटक रहा पिता, चौबीपुर के घिन्नीपुर व निवासी है वर पक्ष के लोग, पिता ने थाने में दी तहरीर, चौबीपुर के नयापुरवा गांव का मामला। क्या हुआ लड़की की शादी अब क्यों नहीं कर रहे वो लोग? 30 नवंबर का तारीख 11,000 रुपए खुले लेते हैं, 40,000 चुपके लेते हैं, कहते हमारा गाँव खराब है और उसके बाद फिर गोद भराई के पहले लाई लेते हैं, कल जाओ तब गोद भरी गई, तब गोद भराई पहले लाई लेने तब गोद भरी रहे, फिर अब कह रहे हैं कि बुलेट ना है, मैं 4 पहिया गाड़ी दी। क्या क्या तय हुआ था, क्या क्या मांगा था तुमसे दहेज में? शादी दहेज में बुलेट अंगूठी और लाल अंगूठी हमने दे दी गोद भरा, और उनकी लाल अंगूठी हमको देना था, पैसे लाई लिए और नगद रुपये 1.5 लाख रुपये गोद भराई पहले दे दिए और परीक्षा में ले लिए थे 40,000 अलग से, 11,000 सामने लिए थे सबके, और उसके बाद अब गाड़ी मांग रहे अल्टो, अब अल्टो हमारे साथ देने लिए नहीं समर्थ है तो हम कहाँ से कर पाएंगे, अब शादी करने लिए इनकार कर रहे। क्या कर रहे हैं, शादी नहीं तय कर रहे? हाँ कह रहे हम नहीं करें। कब की शादी निकली थी आपकी, कब होनी थी शादी? शादी आगे छटवानी थी अप्रैल में, साल अब थी बीच में है ना ही साल अब, तो आगे छटवानी थी। नोएडा, बाइक सवार दो लुटेरों ने युवक से छीना मोबाइल, मोबाइल स्नैचिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, सीसीटीवी फुटेज में कैद लुटेरे की तलाश जारी। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सेक्टर 77 स्थित प्रतीक वेस्टरिया अपार्टमेंट के बाहर का मामला।